पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का जिला और कोलकाता के निवासी इन दिनों मौत के मुहाने पर खड़े हैं। यहाँ के ग्रामीण प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और सरकार है कि आंखों पर पट्टी बांधी बैठी हुई है। कोलकाता में प्रदूषण पर देखिए प्राइम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। ये तस्वीर कोलकाता के मध्यम ग्राम के विलकांडा पंचायत में स्थित ग्राम सौरपुर गोदाई भातपाड़ा खुर्दा विधानसभा की है, जहां पिछले 35 साल से यहां के स्थायी लोग जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं। यहां लोग थोड़ा थोड़ा करके रोज मरने को मजबूर हैं, पर आज तक किसी तरह की कोई भी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। सो फॉर द लास्ट 35 इयर्स आई एम द फाउंडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विज्ञान चेतना पूरा मध्यम ग्राम नॉर्थ 24 परगनास वेस्ट बेंगल। इन दिस वर्क we had taken up some programs, first Noi Canal, second biodiversity field work, survey work and documentation work. Noi work we are fighting for the last 15 years to save Noi. मामला यूं है कि इस एरिया में पिछले 35 साल में कई फैक्ट्रियां खोली गई, जिनमें से निकलने वाला दूषित पानी, जिसमें कई तरह के हानिकारक केमिकल मिले होते हैं, वही पानी पीने के पानी में मिक्स हो रहा है, जिससे कई लोगों की समय से पहले मृत्यु हो गई और कई लोग बीमार हैं। और इसी पानी की वजह से खेती पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि केमिकल मिला पानी नदियों में जाता है और नदी का पानी खेती में और नदियों में पाली जा रही मछलियां जो कि दूषित हो चुकी हैं, वही मछली बेची जा रही हैं। इस बारे में सुरेश कुंदू, जो कि विज्ञान चेतना फोरम के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि उन्होंने कई प्रयास किए पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कपासिया वेलफेयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट राइफुल इस्लम का कहना है कि वह 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कुमारी ममता बनर्जी जी को भी पत्र भेजकर इस मामले से अवगत कराया, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और ममता बनर्जी मेरा सीएम उनको पास हम भेजे हैं मेरा ऑब्जेक्शन। कोई काम नहीं होते, लेकिन दिन के दिन पूरा इलाका नष्ट हो रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही मीडिया वहां पहुंचकर मामले को उठाया है। अब देखना ये है कि प्रशासन की नींद कब खुलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।